बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स। आज हम साइंस का चैप्टर टू स्टार्ट करना है। चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है विद एक्सरसाइज। चैप्टर टू स्टार्ट करते हैं जिसका नेम है सेंस ऑर्गन्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि सेंस ऑर्गन्स क्या हैं और उसमें से सेंस ऑर्गन में से फर्स्ट ऑर्गन द आई हम स्टडी करेंगे। सेंस ऑर्गन्स हमारे बॉडी का वो अहम हिस्सा हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द माहौल में क्या हो रहा है। पांच सेंस ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्गन है आई, आँख, जिससे हम देख सकते हैं। सेकंड है ईयर, कान, जिससे हम आवाज़ें सुन सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द की जो आवाज़ें होती हैं हम उन कान की मदद से सुन सकते हैं। थर्ड है टंग, ज़ुबान, जिससे हम कोई भी चीज़ टेस्ट कर सकते हैं, जायका चख सकते हैं। फोर्थ है नोज़, जिससे हम स्मेल करते हैं, सूंघते हैं। एंड फिफ्थ वन है स्किन, जिससे हम महसूस करते हैं चीज़ों को। ये पांच सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमें इर्द गिर्द के माहौल के बारे में बताते हैं। और ये पांचों के पांचों सेंस ऑर्गन्स ब्रेन, दिमाग के साथ अटैच होते हैं नर्व्स के ज़रिए। तो आइए आज हम फर्स्ट ऑर्गन आई को स्टडी करते हैं। द आई, आई की मदद से, आई यानी आँख, इसकी मदद से हम चीज़ों को देख सकते हैं। आँख के अंदर एक हमारे पास आई बॉल होता है जो ब्लैक, ग्रीन या इस कलर का होता है। हमारी आँख के जो अहम हिस्से हैं, मेन हिस्से हैं, वो ये हैं, जिनके नेम हम पहले नाम याद कर लेते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ कि ये कहाँ कहाँ होते हैं। फर्स्ट वन है कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। फर्स्ट हम ये याद करेंगे सिक्स नेम, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। हमारी आँख का जो फ्रंट साइड पे ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है उसको कॉर्निया कहते हैं। आइरिस हम जो होता है, आइरिस वो कलर्ड पोर्शन होता है, कलरफुल होता है, जो कहाँ पे वाके होता है, जो कॉर्निया के बिहाइंड साइड पे, पीछे वाली साइड पे मौजूद होता है। ये कॉर्निया के बीच में जो होल है, ये कॉर्निया के बीच में ये जो होल होता है उसको प्यूपिल कहते हैं। इस प्यूपिल के पीछे लेंस मौजूद होता है। सो हमने ये चार के बारे में पढ़ा। कॉर्निया हमने क्या कहा, जो आई का फ्रंट वाला हिस्सा जो ट्रांसपेरेंट होता है वो कॉर्निया है। कॉर्निया के पीछे जो कलर्ड पोर्शन होता है वो होता है, ये देखें, ये भी कलर्ड है, ये भी, ये कलर्ड पोर्शन आइरिस है। ये आइरिस के ये वाला, ये ब्लू और इसके दरमियान ये जो हिस्सा होता है ये प्यूपिल होता है। और प्यूपिल के पीछे वाली साइड पे लेंस मौजूद होता है। अब ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं रेटिना। हमारी आँख का जो सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है वो रेटिना होता है। ये सबसे जो हमारी आँख का सेंसिटिव हिस्सा है वो रेटिना होता है। ये जो लेंस है ये इसने जो भी इमेज बनाना है, जैसे हम कोई चीज़ देख रहे हैं, मैं आपको आगे दिखाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, जो भी हम चीज़ देख रहे हैं ये लेंस उसका इमेज यहाँ रेटिना पे बनाता है। इसके पीछे ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये उस इमेज का जो मैसेज है वो लेके ब्रेन तक जाते हैं, जो भी सिग्नल होता है उसको लेके ब्रेन तक जाते हैं। ये देखें, जब भी हम देखते हैं, ये देखें, आपको ये ट्री बिल्कुल सीधा नज़र आ रहा है, इसको जब भी देखते हैं ये लेंस जो हमारी आँख में होता है, ये इसकी जो तस्वीर है, इमेज है, वो रेटिना पे उल्टा बनाता है। अब ये देखें, यहाँ पे आपको ट्री बिल्कुल सीधा दिख रहा है,
लेकिन लेंस ने रेटिना पे उस इमेज को इन्वर्टेड फॉर्म में कर दिया है, उल्टा कर दिया है। यहाँ पे ट्री सीधा है, लेकिन यहाँ पे ट्री आपको उल्टा दिख रहा है। जब यहाँ पे ट्री हो या कोई भी चीज़ हो, हम देखते सीधी हैं, लेकिन वो क्या होता है, लेंस रेटिना पे उसको उल्टी फॉर्म में, इन्वर्टेड फॉर्म में कर देता है। फिर ये ऑप्टिक नर्व सिग्नल लेके ब्रेन तक जाती हैं, और वहाँ से हमें ये सिग्नल की मदद से ये हमें सीधा दिखता है। होप स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गई है। जिस बच्चे को नहीं समझ आई आई के मतलब कुछ मुतालिक कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट में पूछ सकता है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।